नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, यानी मानहानि में दोषी पाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता को खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपने ट्विटर बायो में खुद को डिसक्वालिफाइड MP बताया है। अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी द्वारा अपने ट्विटर बायो में यह बदलाव किया गया। इसी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा इस बाबत राजघाट और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा साफ किया गया है कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है बल्कि एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा भी है, लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे। मानहानि मामले में सजा दिए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए मैं लड़ाई जारी रखूंगा, अडानी मामले में सरकार से लगातार सवाल करता रहूंगा भले ही मुझे जेल भेज दिया जाए। बता दें कि राहुल गांधी शनिवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संसद की सदस्यता खारिज किए जाने और अडानी के मुद्दे पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि आगे भी मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।